कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के दौरान कुछ प्रोजेक्ट को झटका लगने की भी खबरें सामने आ रही हैं। वॉलंटियर्स को साइड इफेक्ट होने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से ट्रायल को रोकना पड़ा है। अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के बाद एक और प्रोजेक्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उपचार के अंतिम चरण का ट्रायल रोकना पड़ा। अमेरिकी कंपनी एली लिली कोरोना वायरस के इलाज के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उपचार के अंतिम चरण का ट्रायल कर रही थी। एली लिली कंपनी ने संभावित सुरक्षा कारणों से अपने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उपचार के चल रहे ट्रायल पर तो रोक लगा दी। ऐसे में कंपनी की प्रवक्ता मॉली मैकुले ने कहा है कि कंपनी के लिए लोगों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। दरअसल अमेरिका में कोरोना वायरस से जारी जंग में महामारी पर नियंत्रण के प्रयासों के बीच ये दूसरा झटका है। इससे पहले जॉनसन एंड जॉनसन को सुरक्षा कारणों से अपने वैक्सीन के अंतिम चरण के ट्रायल पर रोक लगानी पड़ी है। अमेरिका में महज 24 घंटे के भीतर उपचार के अन्य तरीके का भी ट्रायल रोक दिया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।